टोक्यो ओलंपिक्स का जलवा अभी जोरों शोरों से चल रहा है। ओलंपिक्स गेम्स हमेशा स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देते आए हैं, हमेशा ओलंपिक स्पिरिट को बढ़ावा देते आए हैं, बट हर ओलंपिक्स में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती है। ऐसे ही ओलंपिक्स के इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी एक बास्केटबॉल गेम में हुई थी, जिसने सभी को चौंका दिया था। आज मैं इसी बास्केटबॉल गेम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो प्रेजेंटिंग यू मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल गेम एवर। 1936 के बर्लिन ओलंपिक से लेके 1972 के बर्लिन ओलंपिक तक अमेरिकन बास्केटबॉल टीम ने हर एक मैच जीती थी। उनका रिकॉर्ड था 63-0। 1972 के बर्लिन ओलंपिक्स में भी टीम यूएसए ने सभी मैचेस इजीली जीते थे और फाइनल तक वो आसानी से पहुंचे थे। बट फाइनल में उनके सामने उनके आर्च राइवल सोवियत रशिया की टीम थी। उस समय सोवियत रशिया और अमेरिका का कोल्ड वॉर गर्म था और ये तो आप जानते ही होंगे, और इसीलिए फाइनल मैच में भी शुरुआत से ही इंटेंस एनवायरमेंट था। दोनों टीम्स को कुछ भी करके ये मैच जीतना था। वैसे तो रशियंस इस गेम में अंडरडॉग्स थे, बट उनके स्टार प्लेयर सर्जी बेलोव ने इस फाइनल गेम के शुरुआत में बहुत अच्छे प्लेज किए, जिस वजह से सोवियत रशिया ने शुरुआत में ही थोड़ा सा लीड ले लिया था। सोवियत रशिया के इस शुरुआती लीड के वजह से अमेरिकन्स भी थोड़ा बौखला गए थे और उन्हें डर लग रहा था कि अभी वो मैच हार भी सकते हैं। पूरे अरेना में जितना टेंशन था उतना ही कोर्ट पर भी था। यूएस के तरफ से ड्वाइट जोन्स अच्छा खेल दिखा रहा था और उसने कुछ शॉट्स मारकर यूएसए को गेम में रखा था। उसके खेल के वजह से ही सोवियत रशिया ने बड़ा लीड नहीं लिया था। बट एक प्ले पर ड्वाइट जोन्स और सोवियत रशियन प्लेयर मिखाइल कोरकिया के बीच में रिबाउंड लेने के चक्कर में कोर्ट पर ही झगड़ा शुरू हो गया, जिसके वजह से रेफरी रेनाटो रिगेटो ने दोनों को मैच से निकाल दिया। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा लॉस था, क्योंकि जोन्स उनका तब तक का लीडिंग स्कोरर था मैच में, जबकि मिखाइल कोरकिया तो यूएसएसआर का बेंच प्लेयर था। सो सोवियत्स को इतना नुकसान नहीं हुआ। वापस गेम शुरू होने पर सोवियत रशियन प्लेयर्स गेम में अच्छा खेल रहे थे, स्पेशली उनका स्टार प्लेयर सर्जिय बेलोव। इस सर्जिय बेलोव के साथ साथ उनका दूसरा बेलोव अलेक्जेंडर बेलोव भी अच्छा डिफेंस कर रहा था, जो कि एक्चुअली सेंटर प्लेयर था। यूएसएसआर ने थोड़ी सी डरी हुई टीम यूएसए का फायदा उठाया और उन्हें डोमिनेट करना शुरू किया था। लिटरली पहले मिनट से सोवियत रशिया ने पूरा गेम कंटिन्यूअसली लीड को बरकरार रखा था, बट आखिरी क्वार्टर में सोवियत रशिया भी थोड़ी सी नर्वस हो गई, क्योंकि अभी उनके नजदीक विन आ गई थी और गोल्ड मेडल वो जीत सकते थे। बट इस मोमेंट से वो थोड़े से घबरा गए थे, क्योंकि आज तक किसी ने यूएसए को नहीं हराया था। अब सोवियत रशिया थोड़ी सी नर्वस हो गई, ये देखे अमेरिकन्स ने अच्छा गेम खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने लीड को घटाना शुरू कर दिया। आखिरी क्वार्टर में फाइनली यूएस सोवियत रशिया के बहुत नजदीक आ गई थी। 50 सेकंड बाकी रहते सोवियत रशिया के पास अभी भी 49-46 ऐसे 3 पॉइंट का लीड था। यही 50 सेकंड बाकी रहते यूएसए के लिए उनके फॉरवर्ड प्लेयर जिम फोर्ब्स ने एक जंप शॉट ठोक दिया। अब सोवियत रशिया के पास सिर्फ 1 पॉइंट का 49-48 ऐसा लीड आ गया था। नेक्स्ट पोजीशन पर सोवियत रशिया के प्लेयर्स पर प्रेशर था, उन्होंने काफी ड्रिबल किया और यहां वहां पासेस दिए ताकि ओपन शॉट ढूंढ सके। मैं यहां पे बता दूं कि उस जमाने में शॉट क्लॉक 24 सेकंड का नहीं बल्कि 30 सेकंड का होता था। सो सोवियत रशिया ने अपना पूरा 30 सेकंड का टाइम लिया और शॉट क्लॉक के आखिरी सेकंड में अलेक्जेंडर बेलोव ने शॉट अटेम्प्ट किया, बट उस पे ब्लॉक पड़ गया। जैसे ही बेलोव पे ब्लॉक पड़ा, बॉल उसके पास ही आ गया और उसने पास करने की कोशिश की, बट तभी यूएसए के डग कॉलिंस ने बेलोव के पास को इंटरसेप्ट किया और सीधा दूसरे तरफ बास्केट अटैक कर दिया। कॉलिंस ने लेऑफ मारने की कोशिश की, बट उस पे यूएसएसआर के जुराब सकान देलिज़े ने एक हार्ड फाउल कर दिया। गेम में सिर्फ 3 सेकंड्स बाकी थे और यूएसए को यहां पर 2 क्रूशियल फ्री थ्रोज मिले। अमेरिका की टीम अब तक पूरे गेम में सोवियत रशिया के टीम से पीछे रही थी, बट उन्हें सिर्फ 3 सेकंड रहते लीड लेने का मौका था। यूएस के डग कॉलिंस ने इस प्रेशर सिचुएशन में पहला फ्री थ्रो मारा, फिर कॉलिंस दूसरा फ्री थ्रो मारने गया, तभी स्कोरर्स टेबल से एक हॉर्न बजाया गया था, बट रेफरी रेनाटो रिगेटो ने स्कोरर टेबल के हॉर्न को सुना ही नहीं
और कॉलिंस ने दूसरा फ्री थ्रो भी कन्वर्ट कर दिया। इससे यूएसए को 50-49 ऐसा एक पॉइंट का लीड आ गया था और सिर्फ 3 सेकंड्स बाकी थे। ये 3 सेकंड्स बाकी रहते सोवियत रशिया के अजलान सर्मुखामेदेव ने सर्जी बेलोव को पास कर दिया और बेलोव बॉल लेके आगे भाग दिया। बट तभी अचानक से स्कोरिंग टेबल के यहाँ पे कुछ राड़ा शुरू हो गया। सोवियत रशिया के असिस्टेंट कोच सर्जी बाशकिन स्कोरिंग टेबल के यहाँ आके बोलने लग गए कि हमने टाइम आउट मांगा था बट आपने नहीं दिया। रशिया के कोच व्लादिमीर कोंड्राशिन भी वहां झगड़ने आ गए और कहने लगे कि हमने टाइम आउट मांगा था और आपने दिया क्यों नहीं। ये सब चलते गेम क्लॉक 1 सेकंड पर रुकाया गया था। उस जमाने में अगर टीम को टाइम आउट चाहिए रहेगा तो कोचेस को एक मशीन के जरिए बटन को दबाना होता था जिससे स्कोरर्स टेबल के यहाँ का एक लाइट शुरू होता था और टीम को टाइम आउट दिया जाता था। बट गेम के ऑफिशियल स्कोर कीपर हांस टेंशर्ट ने कहा कि सोवियत कोचेस ने बटन दबाने में देरी कर दी थी, इसीलिए हमने भी हॉर्न बजाने में देरी कर दी। और हॉर्न बजाने के समय ही यूएसएसआर के प्लेयर्स ने बॉल को इनबाउंड भी कर दिया। सो अब क्या करें? उसी में अमेरिकन्स कह रहे थे कि सोवियत रशिया ने कोई टाइम आउट नहीं मांगा और वो सही भी था क्योंकि अभी भी ऑफिशियल स्कोर कार्ड पर रशिया का एक ही टाइम आउट दिखा रहा था तो वो कहेंगे ही ना कि आपने कोई टाइम आउट ही नहीं लिया और उन्हें दिया भी नहीं गया था। फिर अमेरिका ने सोवियत रशिया को जानबूझ के गेम रोकने के लिए अक्यूज किया। उन्होंने कहा कि कॉलिंस के फ्री थ्रो के बाद गेम शुरू हुआ था एंड दैट वाज अ लाइव बॉल, और लाइव बॉल सिचुएशन में आपका असिस्टेंट कोच सर्जी बाशकिन ऐसे स्कोरर्स टेबल पर भाग के आता है और गेम को रोकता है, सो दैट इज रॉन्ग और इसके लिए हमारे टीम को टेक्निकल फाउल का फ्री थ्रो देना चाहिए। दूसरी तरफ सोवियत रशिया कह रही थी कि हमने टाइम आउट मांगा था और हमें टाइम आउट दोनों फ्री थ्रोज के बीच में चाहिए था, यानी कि पहले फ्री थ्रो के बाद उनको टाइम आउट मिलना चाहिए था। इसी में वहां पर फीबा सेक्रेटरी जनरल विलियम जोन्स भी घुस गए और उन्होंने कोच कोंड्राशिन को सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, रशिया ने टाइम आउट मांगा था। सोवियत रशिया चाहती थी कि उन्हें टाइम आउट दिया जाए और यूएसए को वापस सेकंड फ्री थ्रो लेने पे मजबूर किया जाए, और यूएसए चाहती थी कि उन्हें टेक्निकल फ्री थ्रो दिया जाए क्योंकि सोवियत रशिया के असिस्टेंट कोच ने अपने एरिया से बाहर निकल के मैच को रोका था, विच इज टोटली रॉन्ग। दोनों साइड की बातें सुनने के बाद रेफरी रेनाटो रिघेटो ने ना यूएसए की टेक्निकल फाउल की बात मानी और ना ही उन्होंने रशिया की बात मानी। वो चाहते थे कि 1 सेकंड रहते मैच को वापस शुरू किया जाए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बट फीबा सेक्रेटरी जनरल विलियम जोन्स ने कहा 1 सेकंड क्यों, ये 3 सेकंड का पूरा इनबाउंड प्ले वापस किया जाए। बस फिर हो गई बात, जैसे मिस्टर विलियम जोन्स ने कहा वैसे ही हुआ और गेम को वापस खिलाया गया। सो अगेन ये इनबाउंड प्ले कराया गया। सोवियत रशिया के प्लेयर इवान एडेशको ने बॉल को इनबाउंड किया बट यूएस सेंटर टॉम मैकमिलन ने उसे अच्छा डिफेंड किया था। एडेश को बराबर से पास ही नहीं दे पाया और रशिया को लंबा शॉट लेना पड़ा जिसके बाद यूएसए मैच जीत गई। सभी यूएसए प्लेयर्स कोर्ट पर सेलिब्रेट करने लगे, मस्त उछलने लगे। ऐसा लग रहा था कि फाइनली ये कॉन्ट्रोवर्शियल गेम अभी खत्म हो गया है। बट इज इट रियली ओवर? सो एब्सोल्युटली नॉट। अभी तो असली कॉन्ट्रोवर्सीज इस गेम की शुरू हुई है। अमेरिकन्स को लगा कि वो जीत गए हैं बट कोर्ट पर वापस सब घुस गए थे और इस बार रशियंस के साथ और भी ऑफिशियल्स थे। ये सब क्या हो रहा है ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे सब पता चलने लगा। पहले इनबाउंड प्ले के कंट्रोवर्शियल माहौल के बाद रेफरी रेनाटो रिघाटो का दिमाग सुन पड़ गया था। उन्होंने आखिरी 3 सेकंड्स को वापस खेलने के लिए कहा तो सही बट सब चीजें उन्होंने बराबर से देखी ही नहीं। उन्होंने एडेशको को बॉल वैसे ही सौंप दे दिया और एडेशको ने भी बॉल पास करके गेम को शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम ये था कि मैच को जल्दी शुरू किया गया था। अभी तक टाइम कीपर ने मैच के टाइम क्लॉक पर बराबर से टाइम को सेट भी नहीं किया था। ऑफिशियल स्कोर पर गेम टाइम 50 सेकंड दिखा रहा था और रेफरी रेगेटो ने वो बिना देखे झट से गेम को शुरू कर दिया था। रशियंस ने कहा कि पहले टाइम को 3 सेकंड्स को तो करो, उसके बाद ही गेम शुरू हो सकता है ना। इस बार यूएसए को बहुत गुस्सा आया था बट वो इस बार कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि सही में क्लॉक पर 50 सेकंड्स दिखा रहा था और ये पूरा प्ले एक्चुअली रॉन्ग सिचुएशन में हुआ था। सो इसका मतलब ये इनबाउंड प्ले वापस किया जाएगा। फाइनली टाइम कीपर ने क्लॉक को 3 सेकंड पे लाया और इन फाइनल 3 सेकंड्स के खेल को वापस तीसरी बार खेला गया और तीसरी बार क्या हुआ ये आप देखिए। И вот последний раз Едешко с высокой траекторией запускает этот мяч к кольцу американ. Just unbelievable.
इस बार इवान एडेशको ने अलेक्जेंडर बेलोव को एक इनक्रेडिबल फुल कोर्ट पास दिया और बेलोव ने दो अमेरिकन प्लेयर्स के ऊपर से बॉल को पकड़ के आखिरी सेकंड में लेअप मार दिया। इस लास्ट सेकंड लेअप के वजह से सोवियत रशिया ने ये गेम 51-50 ऐसा जीत लिया था और लिटरली सब सुन पड़ गए थे। मुझे तो इस बारे में बात करते करते ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस गेम में हुआ क्या था। सही में ये गेम बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था। आज भी सोवियत रशिया में इस एडेशको के पास को द गोल्डन पास कहा जाता है और उनके लिए वो एक गोल्डन दिन था, बट अमेरिकन बास्केटबॉल के इतिहास का ये एक काला दिन था। इट वॉज अ डार्केस्ट डे इन अमेरिकन बास्केटबॉल। मैच के बाद यूएसए ने ओलंपिक कमिटी और फीबा को अपील कर दिया कि जो भी हुआ वो सब गलत था। इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज कैसे हो सकती है गेम में? ये गेम हमने जीता, ऐसा उनका दावा था। यूएसए ने कहा कि इस गेम के हम ही असली विनर्स है और उन्होंने अपील कर दिया, जिसे फीबा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने तो कह दिया कि ये मैच तुम हार गए हो। तो इसलिए अमेरिका ने इस कॉन्ट्रोवर्शियल गेम का प्रोटेस्ट किया, और किया भी कैसे? टीम यूएसए ने अपने सिल्वर मेडल्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ओलंपिक्स के हिस्ट्री में पहली बार किसी ने प्रोटेस्ट के तौर पर मेडल्स ही नहीं लिए थे। आज तक ये खाली पोडियम इस कॉन्ट्रोवर्शियल मैच की निशानी रहा है। यूएस वर्सेस यूएसएसआर के इस 1972 ओलंपिक फाइनल के कॉन्ट्रोवर्शियल मैच को लेके बहुत सारी ओपिनियंस है। मैंने पर्सनली रशियन साइड से भी कंट्रोवर्सी को देखा है और अमेरिकन साइड से भी कंट्रोवर्सी को देखा है, और मेरे ओपिनियन में यूएस के खिलाफ इस गेम में दो क्लियर कट चीटिंग हुई थी। पहले तो ये थी कि अगर आपको याद है तो सबसे पहले फर्स्ट इनबाउंड प्ले में सोवियत रशिया के लिए अजलान झारमुखामेदेव इनबाउंड कर रहा था, बट रेफरी रिगेटो ने पहले कंट्रोवर्सी के बाद पूरा प्ले जैसे का वैसा वापस करने कहा, तभी रशिया को टाइम आउट नहीं दिया था। और उस जमाने में प्लेयर्स को सिर्फ टाइम आउट में ही सब्स्टिट्यूट करके लाया जा सकता था। सो इसलिए जो प्लेयर्स कोर्ट पर पहले इनबाउंड के समय मौजूद थे वही वापस आने चाहिए थे, बट सोवियत रशिया ने झारमुखामेदेव को निकाला और उसके जगह पर आइवान एडेशको को सब्स्टिट्यूट करके लाया गया, और ये चीज किसी ने नोटिस भी नहीं की। और दूसरी बात ये कि पूरा गेम वापस 3 सेकंड से चालू करने का फैसला भी टोटली गलत था। एक्चुअली रेफरी रिगेटो गेम को 1 सेकंड से ही शुरू करने वाले थे, बट फीवा सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर विलियम जोन्स ने बोला कि गेम को वापस 3 सेकंड से शुरू किया जाए, जिसके वजह से रेफरी रिगेटो भी गुस्से में थे। और कुछ ऐसी रूमर्स रही है कि इस गेम के बाद प्रोटेस्ट के तौर पर रेफरी रिगेटो ने ऑफिशियल स्कोरशीट पर साइन ही नहीं किया था। So well, anyways, आज भी 1972 के बास्केटबॉल फाइनल के आखिरी 3 सेकंड्स बास्केटबॉल के इतिहास के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल माने जाते हैं, और इस पे कुछ किताबें लिखी गई है, जैसे कि द 3 सेकंड्स इन म्यूनिक, और कई सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई है। कुछ फिल्में अमेरिकन ओपिनियन से बताती है और कुछ फिल्में रशियन ओपिनियन से बताती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज तक के बास्केटबॉल हिस्ट्री के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मैच की। इस मैच के बाद फीबा ने बास्केटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन में काफी क्लैरिटी लाई थी, ताकि वापस ऐसी गलतियां इतने टॉप लेवल के मैच में ना हो पाए। और इसके बाद ऐसे बड़े गेम में ज्यादा कोई कॉन्ट्रोवर्सीज कभी देखने नहीं मिली। बट ये टीम यूएसए वर्सेस टीम यूएसएसआर की 1972 के ओलंपिक्स की फाइनल सभी बास्केटबॉल फैंस हमेशा याद रखेंगे। सो गाइज, दिस इज होप्स पंडित एंड आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, मस्त रहे और खुश रहे। बाय।